कटनी में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय देशव्यापी बैंकों की हड़ताल में शामिल होकर प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी बंद पर बैंक यूनियन ने 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। बंद पर सभी बैंक कर्मचारी कटनी के SBI तिराहा में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी बैंक बैंक की संपत्ति है, नहीं हो सकती पपोती है। हमारे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी 2 दिनी बैंकों की हड़ताल है और जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सम्मिलित हो रहे हैं, उसके पीछे आज सभी को समझ में आ रहा है कि आज हम लोग बैंक वाले पुनः रोड पर उतर आए हैं। ऐसी क्या मंशा है हमारे बैंक अधिकारी कर्मचारियों की कि हम जब चाहते हैं आप लोग सोचते हैं कि हम आम आदमी को तंग करने के लिए खड़े हैं, परंतु आम आदमी को आज हम बताना चाहते हैं कि आज निजीकरण का दावा हम लोग को निगला जा रहा है। आज से 1915 जनवरी 1969 को जब देश का राष्ट्रीयकरण बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसके पीछे उद्देश्य था कि जो बैंकें पहले से वाणिज्यिक बैंकें काम कर रही थी वो अपने लाभ के लिए काम कर रही थी, परंतु जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उनका उद्देश्य हुआ कि वो सार्वजनिक हित में काम करें, सामाजिक हित में काम करें, छोटे लोग तबके लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं, गरीब लोगों का उत्थान हो, ये बहुत सारी सेवाएं थी। आज प्राइवेट बैंक वैसी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय अगर निजीकरण होगा तो बैंक के साथ साथ हमारे स्टाफ को नुकसान होगा, आपके जनता को नुकसान होगा और इस प्रकार से देश का जो तरक्की है वो तरक्की रुक जाएगी। कटनी से RB गुप्ता की रिपोर्ट।